नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिलाषा शुद्धि आयुर्वेदा से आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ हार्मोन डिसऑर्डर्स के बारे में। जी हाँ, जितना ये शब्द भारी है उससे भी ज़्यादा इससे होने वाली बीमारी। हार्मोन डिसऑर्डर्स की बात करें तो हार्मोन डिसऑर्डर्स में भी हम बात करेंगे पीसीओडी की। पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, मतलब फीमेल्स के अंदर छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं उनकी ओवरीज में। ओवरीज में अगर गांठें होंगी तो क्या होगा, बच्चा पैदा आने में दिक्कत आएगी क्योंकि अंडे अच्छे से नहीं बनेंगे। आज यही टॉपिक होगा हमारे डिस्कशन का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी के कॉजेज, सिम्टम्स एंड उससे जुड़ी होम रेमेडीज़ के बारे में। इसके अलावा कुछ ऐसी गलतियाँ जो फीमेल्स अक्सर कर देती हैं जिस कारण से दिक्कत और बढ़ जाती है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए अब बात करते हैं इसके कॉजेज की। तो कॉजेज में सबसे पहला कारण आता है, दैट इज डाइटरी हैबिट्स। जी हाँ, आयुर्वेद खुद बोलता है कि अगर कोई भी बीमारी है तो मतलब शुरुआत होती है उसके आहार से। तो पीसीओडी में तो ये बिल्कुल सही है। सबसे पहला कारण है उसका डाइटरी हैबिट्स, मतलब खान पान। आजकल का खान पान बिल्कुल ही प्रोसेस्ड फूड पे चले गए हैं जिस कारण से बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आमतौर पे आजकल इंडिया में 5 में से 2 फीमेल्स को पीसीओडी की समस्या आमतौर पे देखी जा रही है। इसके अलावा बात करें तो स्ट्रेस, हाँ जी, फीमेल्स में स्ट्रेस लेवल बहुत ही बढ़ गया है। घर भी देखना है और साथ में ऑफिस भी, तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेस बढ़ेगा ही। इसके अलावा अगर बात करें इसके साथ साथ ओबेसिटी, मतलब मोटापे की दिक्कत भी बहुत ही ज़्यादा देखी जा रही है फीमेल्स में। जहाँ पे मोटापा इतना बढ़ रहा है वहीं पे उनका हार्मोन लेवल डिसबैलेंस हो रहा है। हार्मोन लेवल डिसबैलेंस होगा तो पीसीओडी या फिर अदर हार्मोन डिसऑर्डर्स आराम से लगेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये भी एक मेन कारण है जिस कारण से फीमेल्स को पीसीओडी जैसी समस्याओं को देखने को मिल रहा है। इसमें ऐसे कुछ लक्षण हैं जिनको अगर हम ध्यान से देखें और अगर हमारे घर में किसी को भी हो रहे हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और लक्षण की बात करें, सबसे पहला लक्षण है इसके अंदर फेशियल हेयर्स की बात करें, मतलब फेशियल हेयर्स मतलब लड़कों की तरह फेस पे बाल आ जाते हैं। जैसे लड़कों की दाढ़ी आती है वैसे ही फीमेल्स के अंदर इस अपनी स्किन के ऊपर कहीं ना कहीं मोटे मोटे बाल आने लग जाते हैं जो बहुत ही डार्क कलर के होते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि फीमेल्स के अंदर मेल हार्मोन एंड्रोजन जो है फीमेल की बॉडी में बढ़ जाता है, इस कारण से ये प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हेयर फॉल मतलब बाल झड़ने लग जाते हैं, इरेगुलर पीरियड्स मतलब पीरियड्स प्रॉपरली नहीं आते, कभी कभी कम पीरियड होंगे या 1 या 2 महीने के बाद पीरियड्स आते हैं। इसके अलावा कलर्स इसका जो है ब्लड होता है, ब्लड का कलर बहुत ही अलग होगा, मतलब डार्क ब्राउन होगा या बहुत ही डार्क रेड होगा, जैसे फ्रेश ब्लड का ब्लड कलर होता है वैसा कलर नहीं आएगा। इसके अलावा इसमें मोटापा मतलब जो कॉज में है, मतलब आपके पीसीओडी का जो कॉज है वही इसका सिम्टम भी है। मोटापे की दिक्कत के कारण भी पीसीओडी हो सकता है और पीसीओडी है इसलिए भी मोटापा बढ़ सकता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसके अलावा आप घर बैठे ही कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे इस प्रॉब्लम में रिलीफ मिल सकता है। सबसे पहली इसमें हर्ब आती है, दैट इज़ दालचीनी, मतलब सिनेमम द मिरेकल हर्ब। ये सबसे ज़्यादा इसमें हेल्पफुल है क्योंकि ये आपके पीरियड्स को सर्कुलेट या रेगुलेट करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ ही इसको लेना कैसे है, इसको लेना है आपने पाउडर बना लीजिए और इसको दिन में सिर्फ चुटकी भर पाउडर को बॉईल करना है और काढ़े की तरह पीना है, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। सेकंड आता है आपका मेथी दाने को आपने रात को भिगो देना है पानी में और अगले दिन उसका पानी पीना है। इससे आपका जो है मोटापे में हेल्प होगी, आपका मेटाबॉलिज्म जो है फास्ट होगा, तो आपका डिसबैलेंस जो हो रहा है मतलब हार्मोन डिसबैलेंस जो हो रहा है उसमें भी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा सीड साइक्लिंग, मतलब कुछ ऐसे सीड्स जो उसमें हेल्प कर सकते हैं उनका यूज़। सीड्स में अगर बात करें, फर्स्ट हम बात करते हैं दैट इज़ फ्लैक्स सीड्स एंड सेकंड इज़ आपका पम्पकिन सीड। इन दोनों सीड्स को आपने पीरियड्स होने से पहले 15 दिन लेना है और लास्ट के 15 दिन में आपने लेना है, दैट इज़ आपका चिया सीड्स एंड साथ में सीसम सीड्स, इनका यूज़ करें। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ योगा एंड डाइट। योगा आपको पता ही है, एक्सरसाइज अपना योगा करिए घर बैठ के अगर आप कर सकते हैं, कैमल आसन इसमें बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा डाइट में बात करें तो प्रोसेस्ड फूड को छोड़ के, मतलब प्रोसेस्ड खाना नहीं खाना है, उसके अलावा हमने जो खाना खाना है दैट इज़ होम मेड, मतलब घर का बना हुआ खाना अवॉइड करें। आप कोई मैदा चीज़ ना खाएं, कोई प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, डेयरी आइटम्स को अवॉइड करें, ऐसी चीज़ें खाएं जो बॉडी के लिए हेल्दी हों, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड और साथ ही साथ ग्रीन टी ज़रूर अपनी ऐड करें।
उसके अलावा कोई और जानकारी चाहते हैं या इस बीमारी से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।